हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित और आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्स लेंस के बारे में और ये देखेंगे कि जो कन्वेक्स लेंस जो इमेज फॉर्म करता है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कन्वेक्स लेंस जो है डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है इन नेचर। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो पावर होती है कन्वेक्स लेंस की दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलो देखते हैं वो पावर जो इसकी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है इन सब चीजों पे गौर फरमाएंगे। पहले देखते हैं कन्वेक्स लेंस होता कैसे है। तो देखो कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है और ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि ये एक जो सेंटर से लाइन जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दैट लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस और जो सेंटर का पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, पी। पी मतलब पोल। यहां एक फोकस होता है और यहां एक कर्वेचर होता है जो 2F के इक्वल होता है। एक फोकस यहां होता है और यहां पे क्या होता है, सी विच इज इक्वल टू 2F। अब देखो जो ये लेंस है ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल रेज पास करते हैं। तो जो पैरेलल रेज पास करी, ये रेज कहां से गई, तो जो ये पैरेलल रेज आ रही थी ये कहां से होके गुजरी, ये F से होके गुजरी। तो अगर ये F से होके गुजरी हैं पैरेलल लाइंस, आपको दिखाई दे रहा है ना ये F से होके जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये प्राइमरी फोकस है, ठीक है। उसके अलावा ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है कैसे पता चला, देखो लाइट आई और एक जगह कंसंट्रेट हो रही है, मतलब फैल नहीं रही है। अगर फैल नहीं रही है, एक जगह कंसंट्रेट हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। देखो लाइट ऐसे आ रही है और फिर एक जगह जाके कन्वर्ज हो जा रही है। तो इसका मतलब जो ये लेंस होता है, ये कन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, नेचर में कन्वर्जिंग होता है। तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है दोस्तों, कन्वर्जिंग। इसके अलावा अगर इसका प्राइमरी फोकस ये है, तो अगर ये पोल है तो पोल को ओरिजिन मान लेते हैं और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और पोल जो है वो ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है, पोल है। तो देखो जो पोल के इस तरफ वाली वैल्यू होंगी ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और जो पोल के इस तरफ होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव। तो इस F की वैल्यू क्या होगी, इस तरफ जितनी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव। तो इस वाले F की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो F क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल्स टू 1/F, ठीक है। पावर क्या है, 1/F है, मतलब कि अगर पावर 1/F है और F पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है। चलो देखते हैं कैसे। मान लो ये प्लस का 10 सेंटीमीटर है, तो पावर क्या हो जाएगी, जो लेंस की पावर है 1/10, वो भी पॉजिटिव का, तो 0.1 पॉजिटिव का, ये क्या हो गई, ये इसकी पावर होगी। और पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है इन केस ऑफ लेंस, ठीक है, मैंने ये आपको बताया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, तो क्या आंसर होगा, कन्वर्जिंग। जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। पावर कैसी होती है, पॉजिटिव। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं कि जो ये इमेज बनाता है ये उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल रियल इरेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको।
यहां लिखते हैं ऑब्जेक्ट और ये लिख रहे हैं इमेज, कि इमेज कैसी है। ठीक है, तो देखो ये लेंस था हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस था। मान लो ये F, ये 2F या C कुछ भी लिख लेना। ठीक है, अब जो है एक ऑब्जेक्ट जो है कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो जो उससे आने वाली लाइंस है वो कैसी दिखाई देंगी, पैरेलल दिखाई देंगी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इंफिनिटी पे रखा है तो उससे आने वाली लाइन कैसी दिखाई देंगी, पैरेलल। और अगर लाइन जो है पैरेलल होती है तो वो कहां से जाती है, होके एफ से होके जाती है। ठीक है, वो कहां से होके जाती है, एफ से होके जाती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, एफ पे बनेगी। तो इमेज कहां, एट एफ। अब देखो ये डॉटेड लाइन है तो मिला नहीं रही है, रिफ्रेक्टेड रेज ही है जो इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब दो रिफ्रेक्टेड रेज, मतलब हम इसको ऐसे डॉट से आगे बढ़ा नहीं रहे, ये अपने आपस में अपने आप खुद कट रही है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है ये रियल इमेज है। क्या है, रियल इमेज है। अगर मान लो ऐसे यहां से ऐसे निकल के जा रही होती, दूसरी ऐसे जा रही होती, तो इसको पीछे ला के मिलाना पड़ता। तो जब डॉटेड लाइन से मिलाते हैं ना तब बनती है वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे डॉटेड से नहीं मिलाया, खुद से बन रही है, तो ये क्या है, एक रियल इमेज है। क्या है, रियल इमेज है। कैसी है, देखो बहुत छोटी है ना, पॉइंट साइज की है। कैसी है, पॉइंट साइज की, तो हाईली डिमिनाइज्ड है, बहुत छोटी हो रखी है, हाईली डिमिनाइज्ड। अब इसके अलावा देखो एक और चीज होती है कि ये इमेज सीधी है या फिर इन्वर्टेड है या फिर इरेक्टेड है। तो अगर यहाँ पे देखे तो ये पॉइंट साइज के, वी कैन नॉट कंफर्म है कि ये इरेक्टेड है या इन्वर्टेड है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और डायग्राम बना के देखने पड़ेंगे। लेकिन और डायग्राम बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी रेस से हम डायग्राम बना सकते हैं, कोई सा भी इमेज बना सकते हैं। तो दो की जरूरत होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, इसको इरेज करके बता देता हूँ। देखो ये था ना, ये एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस में दोस्तों जो रेज होती हैं उनको कैसे बनाना होता है, कोई भी इमेज बनाने के लिए आपको क्या तीन चीजें पता होनी चाहिए। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो आप बना दोगे अगर वो तीन चीज आती है। तो पहली बात की अगर कोई लाइन पैरेलल आ रही है तो वो एफ से होके जाएगी। ठीक है, दूसरी बात जो रे है वो पोल से अगर जा रही है तो वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज कि अगर कोई लाइन इस वाले एफ से आ रही है तो वो कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। ये देखो मैंने अलग अलग जगह से बनाया ना, इसलिए तीनों एक जगह कट नहीं करे, लेकिन अगर सेम जगह से बनाता तो तीनों एक जगह कट करते। तो आप बेसिकली बताने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइन पैरेलल आ रही है तो वो कहां से जाएगी, एफ से जाएगी। कोई अगर पोल से जा रही है तो वो सीधे पोल से चली जाएगी। और अगर कोई लाइन एफ से आ रही है तो वो जब एफ से आ रही है वो लेंस पे जाने के बाद जब रिफ्रैक्ट होगी तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये तीन पता है ना तो आप कोई सा भी डायग्राम बना सकते हो। हमने पहला इन्फिनिटी वाला ले लिया, बाकी के पांच और देखते हैं कि वो कहां इमेज बनाते हैं। देखो ये रहा, हम मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने बियॉन्ड 2F रखा। ठीक है, बियॉन्ड 2F जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन क्या है, बियॉन्ड 2F, मतलब बियॉन्ड C है। अब अगर मैं यहां से इस
का रे डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो पहला तो क्या बताया मैंने, जो पैरेलल लाइन जाएगी वो एफ से होके चली जाएगी, तो ये चली गई एफ से होके, ठीक है। अब देखो या तो आप क्या करो, प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन लाइन ले जाओ या फिर तो आप एफ से ले जाओ। तो चलो मैं एफ से अगर लेके जाओ, चलो प्रिंसिपल एक्सिस से ही ले लेते हैं, कोई सी भी ले लो, दो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए कोई सी भी। और कितनी लाइंस बना सकते हैं हम, एक पैरेलल, एक पी से और एक एफ से, ठीक है। तो अभी मैं इस केस में पी से लाइन लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे जाएगी, ठीक है। तो जब मैंने यहां से बनाया तो ये क्या हुई, यहां इंटरसेक्ट करी और ये देख रहे हो ये यहां बनी, ठीक है। तो जब इमेज जो है बियॉन्ड 2f है, तो जो सॉरी ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। अगर बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन 2f एंड 2f। तो हम यहां लिखेंगे एट f एंड 2f, इमेज यहां बनी। अब देखो कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। ये देखो अगर ये इन्वर्टेड बनी है और ये इसके कंपैरिजन में क्या है, छोटी दिखाई दे रही है, तो क्या है, डिमिनाइज्ड है। तीसरी बात, ये रियल है कि नहीं है, देखो दोनों इंसिडेंट लाइट ही काट रही है ना, तो क्या है, रियल है, सॉरी रिफ्रेक्टेड काट रही है। इसके अलावा और कुछ, देखो ये चार, ये देखो इन्वर्टेड, डिमिनाइज और रियल, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस केस में क्या हुआ, इन्वर्टेड भी बनी, डिमिनाइज भी बनी और रियल भी बनी। अगर अब मैं 2f पे लेके जाऊं इसको तो कहां बनेगी, जरा 2f वाला केस भी देख लेते हैं एक बार। ये छह केसेस हैं टोटल, छह के छह केस देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसकी इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, कितने में रियल बनता है, कितने में ये वर्चुअल बनता है। ये f और ये 2f, ठीक है, ये f और ये 2f। अब एक ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर रख दिया, ठीक है, यहां से एक रे गई और वो रे क्या करी, हमारे f से होके गई, ठीक है। ये क्या है, ये 2f है, इसको इधर लिख देते हैं, ये 2f है। अब दूसरी लाइन में यहां से देखे गया, ठीक है। अब यहां से जाने के बाद ये कैसी चली गई, ये ऐसी गई, तो ये दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट करी, यहां इंटरसेक्ट करी, तो हमारी इमेज कहां बनेगी, यहीं बनेगी। देखो तो ये जो अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे ले रहे हैं एट 2f, तो इमेज भी कहां बन रही है, एट 2f। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, देख रहे हो ना, उल्टी है। डिमिनाइज क्या है, सेम साइज की है। और रियल है कि नहीं है, रियल है, ठीक है। अब इसके अलावा एक केस बचा 2f और f के बीच में, तो चलो देखें जरा 2f और f के बीच में कैसी बनती है। वापिस ही बना लेते हैं यार, चौथा केस है f 2f f 2f, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर ये बिटवीन f एंड 2f है तो यहां से लाइन गई और इससे होके निकल गई, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहां से लेके जाऊंगा तो अब ये यहां आने के बाद ऐसे जाएगी, तो अब देख रहे हो आप ऐसी इमेज बन रही है। तो अगर ये बिटवीन 2f एंड f है, मतलब f और 2f के बीच में है, तो इमेज बियॉन्ड 2f बन रही है। तो इफ इट इज एट बिटवीन f एंड 2f ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड 2f बन रही है, बियॉन्ड 2f बन रही है। कैसी बन रही है, देखो ये छोटी है, ये बड़ी है, तो ये मैग्नीफाइड इमेज है। कैसी है, मैग्नीफाइड, और क्या है,
मैग्नीफाइड होने के साथ साथ इन्वर्टेड भी है, उल्टी इमेज बन रही है और रियल इमेज बन रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 2 3 4, फोर केसेस हो गए। अब देखो एफ पे बनाते हैं, अगर एफ पे है तो कैसी बनती है, तो मान लो इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे बनाते हैं इसको, ये ऑब्जेक्ट था हमारा एफ पे, ये एफ था, इस पे ऑब्जेक्ट था, यहां से एक लाइन गई पैरेलल जो कि एफ से होके चलेगी, ठीक है, एफ से होके चलेगी। अब देखो दूसरी लाइन जो है उसको लेके जाते हैं जरा, ये क्या है, पी है, यहां से अगर लाइन लेके जाओगे तो ये पैरेलल लाइन है, पीछे मिलाने की कोशिश करो तो यहां पे भी पैरेलल है। मतलब अगर कोई भी इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है, अगर एफ पे है तो उसकी इमेज कहां जाके मिलेगी, देखो कहीं नहीं मिल रही ना, तो कहीं नहीं मिल रही मतलब कहां मिलेगी, इंफिनिटी पे मिलेगी। तो मतलब अगर एट एफ है तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे, हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी बनेगी। इसके अलावा इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, ठीक है। अब देखो ये कहां जाके बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है, ठीक है। अब केस बच गया बिटवीन पी एंड एफ, इन सारी चीजों में देखो हमें एक चीज कॉमन दिखाई दी, रियल, ठीक है, रियल 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 रियल। मतलब मोस्टली केसेस में जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस, वो कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। चलो अब देखते हैं पी और एफ के बीच वाली भी इमेज क्या रियल इमेज होती है, तो चलो देख लेते हैं। और रियल के अलावा एक और चीज कॉमन थी, इन्वर्टेड, देखो ये इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन्वर्टेड, तो कैसी इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। अब लेकिन ये एक और चीज देखते हैं, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये F, ये 2F, ये पोल, ये F और ये 2F। अब मैंने कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट जो है यहां रख दिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा और अगर इससे पैरेलल लाइन पास करी तो वो कहां से होके जाएगी, F से होके जाएगी, और एक लाइन मैंने यहां से पास करी, ठीक है, तो ये कहां से होके जाएगी, P से। तो ये दोनों लाइनें देखो, एक लाइन तो है ऐसे दूर जाए जा रही है, एक और उससे दूर जाए जा रही है, तो ये इस तरफ से मिलेंगे नहीं, ठीक है। पीछे जरा देख करके देख लेते हैं, मिल जाए क्या पता, तो इधर कहीं जाके ये मिल जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर बिटवीन एफ एंड पी है, अगर ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन पोल एंड फोकस है, तो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन एफ मतलब फ्रंट में बन रही है। हम इसको ये नहीं लिखेंगे कि इसके बीच में बन रही है, हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी इमेज है वो लेंस के फ्रंट में बन रही है, ठीक है, फ्रंट ऑफ द लेंस, फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड, ज्यादा बड़ी है ना इससे। तीसरी बात कैसी है, इरेक्टेड, सीधी है। चौथी बात वर्चुअल है, अब देखो डॉटेड लाइन से मैच कराया ना इनको, तो ये क्या है, वर्चुअल है। तो अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो 6 केसेस में से 5 केसेस में मैंने ये देखा कि ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड थी, 1 केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कन्वेक्स लेंस कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड, तो आप रियल एंड इन्वर्टेड ही करोगे, क्योंकि 6 में से 5 केसेस में तो ये रियल एंड इन्वर्टेड ही आई है, तो उस क्वेश्चन का आंसर रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। तो ये है, दैट इज ऑल अबाउट कन्वेक्स लेंस। और ये कहाँ यूज होता है ये भी बताऊंगा मैं, देखो एक तो आई बॉल, आई की जो बॉल होती है उसमें भी ये यूज होता है, ठीक है। और हमारा, और जो हमारा
जो कॉजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आई डिफेक्ट के, उसको करेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। होते हैं ना हमारे डिफेक्ट्स होते हैं आई के, उनको करेक्ट करने के लिए भी ये यूज होता है। तो हम देखेंगे जब ह्यूमन आई के डिफेक्ट पड़ेंगे कि ये कहाँ यूज होता है, ठीक है। और एक और चीज इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मैं एक एयर बबल को वाटर के अंदर लूंगा तो जनरली जो ये एयर बबल है कैसा, ये एयर बबल कैसा लग रहा है, कन्वेक्स की तरह लग रहा है। तो ये क्या करता है, कन्वर्स करता है इसको, बट जब इसके अंदर होता है तो ये डाइवर्स करता है, क्योंकि जो वेव्स होती हैं वो देखो वाटर डेंसर है, डेंसर से रेयर जा रही होती है। तो जब भी डेंसर से रेयर जाती है अभी क्या करती है, डाइवर्स करती है, नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वाटर के अंदर जो एयर बबल होता है वो डाइवर्स करता है रेस को, जिसकी वजह से ये क्या कहलाता है, जो एयर बबल है ये कनकेव लेंस कहलाता है वाटर में। क्या कहलाता है, कनकेव लेंस। तो वाटर के अंदर जो एयर बबल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कनकेव लेंस की तरह। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बता रखा है, ठीक है। तो चलो दोस्तों ये हो गया कन्वेक्स लेंस के बारे में पूरा। अगली क्लास में मिलते हैं और पढ़ेंगे ह्यूमन डिफेक्ट्स के बारे में, और मैं आपको थोड़ी टेलीस्कोप के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से लेंस यूज होते हैं, उसको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए उसको देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से कर लो, और बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।